जब बादल फटता है ना और बारिश आती है भाई, ये पूरा भर जाता है। ये आने वाले हैं बस। भाई कहाँ रह गए आप? वो भाई वो पहुँच चुके हैं मंदिर पे। लोकेशन चेक करो, लोकेशन कितनी बढ़िया है भाई। व्यू दिखा दे थोड़ा भाई, ये सब चेक करो। ये देखो, ये तो ऐसा व्यू आता है भाई। सो हेलो व्हाट्स एवरीबॉडी, कैसे सारे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं मंदीप वाकर लेकर आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो। तो अभी हम हैं मालदेवता रोड पर और ये है मेरे दोस्त। नहीं क्या बोलने को, चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग के वजह। और अभी बारिश पड़ी थी गाइस, इसलिए मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाया था। मैं दोबारा से ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, बीच में शॉट लिए थे तो वो ख़राब हो चुके थे, तो मैंने दोबारा से स्टार्ट किया है। तो ये रही अपनी एंड टॉक, और धूप भी निकल चुकी है, बारिश नहीं आ रही है। अभी चलते हैं हम एक अच्छी सी लोकेशन पे, आपको एक बहुत बढ़िया लोकेशन दिखाता हूँ आपको, वहाँ चलते हैं। अभी मिलते हैं आपको सीधा गाड़ी पे। तो गाइस चलते हैं सीधा रायपुर, रायपुर से स्टेडियम की तरफ एक अच्छी सी लोकेशन पे जाएंगे। मंदिर है वहाँ पे और व्यू काफ़ी अच्छा आता है। देखते हैं व्यू अभी दिखेगा क्योंकि मौसम इतना ख़राब है ना गाइस। अभी वहाँ पर चल के देखते हैं। और जैसे ही मैंने अपना हेलमेट बंद कर रहा हूँ ना, एकदम सारा फॉग हो जा रहा है, इसलिए मुझे हेलमेट खोल के बोलना पड़ रहा है और चलानी पड़ रही है। तो देख सकते हैं आप इन लोगों को, और चलते हैं। बाकी आप ये व्यू देखिए, बढ़िया है। आज मौसम ठीक हो गया, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। अभी जो मैंने पहले शॉट्स लिए थे ना यार, वो थोड़े माइक की ख़राबी की वजह से, माइक सही चल रहा है बस मैंने ठीक से नहीं लगाया था, तो उसकी वजह से वो शॉट ख़राब हो गए थे। तो मुझे आधे से बनाना पड़ा, बाद में चेक किया मैंने काफ़ी देर बाद। तो कोई नहीं, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं ब्लॉग और आपको एक और बहुत अच्छी लोकेशन दिखाते हैं। बूंदे आ रही है, बंद कर लेते हैं इसे। तो गाइस बारिश आ रही है, फिर देखते हैं ज़्यादा आएगी तो फ़ोन निकाल दूंगा, फ़िलहाल अभी तो ठीक लग रही है, ज़्यादा नहीं है। पिछला ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो गाइस सपोर्ट ज़रूर करना। अब आगे ऐसे व्लॉग्स और लाता रहूँगा और जिम के व्लॉग्स भी लाऊँगा। अभी मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ अपने ऊपर, तो दिखाऊँगा आपको थोड़ी अच्छी फिजिक बना कर ना, तब दिखाऊँगा। और बाकी हम फोटोशूट और वीडियो शूट भी करने जा रहे हैं मेरे कैमरे से। तो अभी हम चलते हैं सीधा रायपुर की तरफ स्टेडियम, स्टेडियम से थोड़ा सा और आगे जाएंगे हम। मैं दिखा दूँगा आपको लोकेशन कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। वहाँ से ना सनसेट बहुत अच्छा दिखता है। आज तो मौसम ही ऐसा है तो मुझे नहीं लगता कि सनसेट वगैरह कुछ दिखेगा। तो और उससे पहले, सनसेट से पहले हम आ भी जाएंगे अब घर की तरफ ना वापस, तो रुकेंगे नहीं हम ज़्यादा देर वहाँ पे, बस फ़ोटोज़ खींच के और वीडियो बना के हम आ जाएंगे वापस। बाकी बारिश आ रही है, मैं फ़ोन निकाल देता हूँ यार, भीगने से अच्छा है ना। आपको आगे ही मिलता हूँ सीधा। तो भाई बारिश आ गई थी और रायपुर हमने क्रॉस कर दिया है, अभी हम स्टेडियम की तरफ जा रहे हैं, फिर वहाँ से अभी ऊपर हम मंदिर की तरफ जाएंगे। बाकी दूसरी चीज़ ना, थोड़ी मुझे अपनी गाड़ी की मॉडिफिकेशन की भी वीडियो लानी थी, वो मैं ला नहीं पा रहा हूँ क्योंकि गाड़ी फ्री नहीं हो पा रही है इस वजह से। और उसमें अभी बाइक में, स्प्लेंडर में काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन करानी है, तो उसको बस करा नहीं पा रहा हूँ मैं। बाकी उसकी भी वीडियोस में जल्दी लाऊंगा। और दूसरी चीज़, अगर किसी को भी माइक की दिक्कत हो रही है और फ़ोन से ब्लॉग करना चाह रहा है और जो भी दिक्कत है, तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है भाई, मैं उसका सोल्यूशन ज़रूर बताऊंगा मैं आपको कि आप उसको कैसे कर सकते हो। क्योंकि मैंने भी पूछ के किया है, मैंने अपने दोस्तों से पूछा है, जो मेरा दोस्त मोटो ब्लॉग करता है उससे पूछा है, और भी दूसरे लोगों से पूछा है मैंने कि कैसे कैसे करना है। बाकी मैंने अपना सेटअप बना लिया है और सही बना है, मतलब ना मैं आईफोन 11 से शूट करता हूँ और बहुत बढ़िया शूट होता है भाई, और कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन से भी शूट कर सकता है, कोई इशू नहीं है, बढ़िया फोन, बढ़िया शूट होता है। बस आपको अच्छे गियर्स चाहिए कि उसमें माइक एक अच्छा चाहिए आपको, ताकि उस वॉइस क्लियर आए। और दूसरी चीज़, गाड़ी तो आप जो भी लगाओ कोई नहीं है ना,
तो बाकी यहाँ पे भी बहुत तेज़ बारिश पड़ी थी, रोड पूरी गीली है। और ना स्टेडियम है भाई इधर, इधर से जाके स्टेडियम में आते वक्त दिखाएंगे स्टेडियम ना कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे बस लोग चिल मारने आते हैं, गाड़ी सीखने आते हैं, बैठने आते हैं, शाम को बैठते हैं आराम से। और ये थानो जाती है, ये रोड अपनी सीधी थानो जाती है, थानो से ऋषिकेश और ऊपर दूसरी जगह भी जाती है, कटकोड वगैरह ना। तो वहाँ भी काफ़ी अच्छे लोकेशंस है अपने देहरादून में भाई, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे लोकेशंस है, बस आपको एक्सप्लोर करना है। तो काफ़ी लड़के जाते रहते हैं, हम तो ग्रुप में जाते हैं और हमारा अड्डा भी है वहाँ पे भाई, हम खाना वाना बनाते हैं, चिकन बनाते हैं, मैगी बनाते हैं और वहीं पे खाते हैं। तो कभी उसका भी व्लॉग दिखाऊंगा, वैसे तो भाई ने डाला था मेरे। और बाकी ये देखो, जब बादल फटता है ना और बारिश आती है भाई, ये पूरा भर जाता है ये। बाकी अब आगे चलते हैं, धूप वूप निकल गई है अब तो, थोड़ा अच्छा व्यू दिखेगा भाई ऊपर, अभी ऊपर चल के दिखाते हैं आपको। बाकी यहाँ पे भाई कैफ़े भी बहुत अच्छे खुले हुए हैं, बहुत सही सही कैफ़ेज़ हैं। बर्थडे सेलिब्रेट करना है आपको, जो भी करना है, रात को तो बहुत ही मज़ा आता है। ये चेक करो भाई, ये वाला कैफ़े भी नया खुला है, काफ़ी बढ़िया है। और इन्हीं का दूसरा कैफ़े है माउंट व्यू कैफ़े, वो अंदर है, वो भी बहुत बढ़िया है भाई, उसको भी दिखाऊंगा आपको कभी। और बाकी आप इधर साइड आओगे तो आगे और भी बहुत अच्छे अच्छे आपको कैफ़े मिलेंगे, वहाँ ज़रूर जाना है एक बार, ट्राई करना इनका खाना सब कुछ ना, स्टे ट्राई करना रात में, और रात में ज़रूर आना भाई, वाइब होती है लॉन्डो के साथ रात में। हम तो भाई ग्रुप में आते हैं, वो थोड़ा दोस्तों के लिए रुक जाते हैं यहाँ से, अब हमें इधर से जाना है ऊपर और वहाँ से है मंदिर, भाइयों के लिए रुक जाते हैं, कहाँ रह गए यार। बाकी यहाँ से आप सीधा थानो के लिए रास्ता जाता है, थानो भी बहुत बढ़िया जगह है घूमने के लिए, बहुत ही ग्रीनरी है सारी तरफ, पेड़ वेड़ है, और बाकी लोकेशंस भी हैं वहाँ पे थोड़ी अच्छी ना। बाकी वेट तो कर ही रहे हैं, कितना दूर है वो पीछे है, वीडियो बनाते रह गए क्या भाई, कहाँ रह गए आप। ओके ओके कोई नहीं, चलो चलते हैं, चलो 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 गाइस आगे बढ़ते हैं यार। बरसात में ना यहाँ पे ऐसे हाल हो जाते हैं, बाकी अपना जब बरसात नहीं होती तो बहुत बढ़िया रहता है रोड बोर्ड। उत्तराखंड में ऐसे ही होता है, हर हर साल हर बरसात में कहीं पे बाढ़ आ जाती है, कहीं पे कुछ हो जाता है, तो ये तो सुनने को मिलता ही रहता है भाई, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो होना ही होना होता है। A few moments later. तो भाई मंदिर के रास्ते पे पहुंच चुके हैं, ये है जय खेड़ासुरी मंदिर। ओके ये रहे सब, और ये रहा रास्ता, अब चलते हैं आगे, निकलते हैं अपना सिस्टम और चलते हैं भाई। तो पहुंच चुके हैं अभी मंदिर वाले रास्ते पे, और ये चेक करो धूप आ चुकी है, मौसम साफ है, चलो चलते हैं। तो भाई चले मंदिर पे, चलो भाई चलो चलते हैं भाई, फाइनली पहुंचे, थोड़ा सा छोटा सा ट्रैक है भाई, अच्छा नहीं मिला होता सबको, छोड़ते हैं और आपको व्यू चेक कराते हैं ऊपर चल के ना भाई, बहुत अच्छा सीन आता है यहाँ से। और कभी किसी को ना सनसेट देखने आना हो ना तो यहाँ पे ज़रूर आना, यहाँ से सनसेट बहुत अच्छा दिखता है। भाई पहुँचने वाले हैं, ये रहा मंदिर, आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, ऊपर जाके सिनेमैटिक्स दिखाता हूँ। सो भाइयों पहुंच चुके हैं मंदिर पे, बाकी और आप लोकेशन चेक करो, लोकेशन कितनी बढ़िया है भाई, व्यू दिखा दे थोड़ा
भाई ये सब चेक करो। हाँ तो आज जोड़ लेते हैं, मन्नतें मांग लेते हैं अपनी कामयाबी के लिए, और फिर आगे दिखाते हैं आपको थोड़े से सिनेमैटिक्स। आ जाओ तो भाइयों, लोकेशन कैसी लगी आपको ये बताओ। बहुत जबरदस्त लगी भाई। और भाई धूप आ गई तो चार चांद हो चुके हैं। हम चाह रहे थे, हमें लगा कि बारिश में इंस्टाग्राम अकाउंट बता दो ताकि लोग फॉलो कर दे हमें। गाइस भाई इंस्टाग्राम जानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो मुझे जानते जो मेरे व्यूवर्स है वो इन लोगों को भी जानते हैं। अभी हम इतने फेमस नहीं हुए, क्या कहना चाहोगे। बाकी भाई का नाम है सुधीर नेगी 66 और अभिनव कंडारी। बाकी मेरे फॉलोइंग तो मिल जाएंगे आपको ये। और दूसरी चीज, अभी थोड़ा सा हम ना वीडियो शूट वगैरह करते हैं, उसकी वीडियोस मैं दिखा दूंगा आपको, सिनेमैटिक्स दिखा दूंगा। और अगर हम सनसेट तक रुकते हैं तो मैं आपको सनसेट भी जरूर दिखाऊंगा। बाकी तो आप इसे ही देख लो भाई, यहाँ देखो, यहाँ देखो गाइस, छाती भाई की। बाकी आगे देखते हैं। ये दिख रहा है देहरादून यहाँ से। गाइस चेक करो, न्यू व्लॉग आने वाला है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ऐसे ही प्यार दिखाओ मन की हर वीडियो में। बाकी गाइस अभी एक व्यू पॉइंट पे हमने फ़ोटोज़ खींची वीडियोज़ बनाई, और अभी हम जा रहे हैं सीधा चाय से यारी पर। वहाँ पे मल्ली और विशाल थोड़ा वेट कर रहे हैं हमारा, उसे कैमरा दिखाना है, कुछ पूछना था मुझे कैमरे के बारे में ना, तो वो वेट कर रहे हैं वहाँ पे, अभी उनके पास चलते हैं। और शाम भी हो चुकी है। बाकी देखो ये तो ऐसा व्यू आता है भाई, जिसको सनसेट चाहिए वो इधर आ सकता है गाइस, ठीक है। बरसात हो रही होती है ना तब तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बारिश वारिश पड़ रही होती है तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। बाकी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको वहाँ का व्यू कैसा लगा, और आप भी जाना वहाँ ज़रूर, मंदिर है और व्यू भी है तो एक पीस ऑफ माइंड मिल जाता है वहाँ पे जाके, बहुत शांत माहौल है वहाँ का ना। और ये चेक करो भाई, बाकी यहाँ से उतरते हैं और नीचे मिलते हैं मल्ली लोगों के पास ना। पंछी बनू उड़ते फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। भाई आराम से। भाई गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आपको मिलते हैं एक और नई वीडियो में अगली बार। और लाइटिंग सो गाइस चेक कीजिए। बाय।
चलो टाटा बाय बाय, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना वीडियो को अगर अच्छी लगी तो, और अपना बेस्ट पार्ट जरूर बताना वीडियो को आपको कौन सा अच्छा लगा है। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।